देखते हैं हमारे। हाँ जी बताइए। नहीं बस सीरियल देखते हैं, पिताजी देखते हैं। आपका न्यूज में माहौल क्या है? उनको हमारा नया साल का मुबारकबाद देना। और बड़ी खुशी लगी सर आपसे मिलना। बहुत 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 क्या करते हैं आप? मैं सर सैमसंग में हूँ, सेल्स के अंदर ही। तो कैसा काम धाम आपका चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है। राजनीति के बारे में आपका क्या भी? नहीं नहीं फादर ही देखते हैं वो राजनीति का। अभी बिहार के बारे में आप चल रही थी न्यूज, अभी कोई ज्यादा इंटरेस्ट कुछ नहीं है न्यूज में इसमें। हाँ जी आप क्या करते हैं? मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ वैसे आर्मी की। क्या किस आर्मी? SSC GD में अभी मैं कर रहा हूँ ट्राई, और CRPF का एग्जाम दूंगा अभी। अरे किस क्लास में हो यार? मैं 12th पास कर गए। हाँ हाँ अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अग्निवीर यार कोई स्कोप नहीं दिखता उसमें, सच बताऊँ तो। एक तो चार साल के बाद जो है आम आदमी कहाँ भटकेगा, ऊपर से सरकार की राजनीति ऐसी है। नहीं आप बताओ ना कि चार साल के लिए बंदा चला गया, इतनी मेहनत करेगा, 1600 मीटर दौड़ेगा, एग्जाम देगा, उसके बाद फिर वो 4 साल बाद क्या करेगा? जब उसको रिजर्वेशन मिलेगा नौकरियों में? रिजर्वेशन अभी भी ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो लगने के बाद भी ये कह रहे हैं कि भाई कोई रिजर्वेशन नहीं है इसमें। वो कह रहे हैं कि अगर आपको करना है तो कर सकते। कुछ मालूम है तुमको? नियम कानून निकाला है, रिजर्वेशन मिलेगा अभी? मतलब बस कहने की बात होती है। क्या बात है? अरे एक बात बताओ, CRPF है, CISF है, हमारे देश के लिए जान देती है, उनको पेंशन मिलती है, पहले मिलती थी ना, अब नहीं मिल रही। नहीं। कौन बोल रहा है? केस इतने पड़े हुए कोर्ट में, अब इन्होंने कह तो दिया है कि रिजर्वेशन दे रहे, कहाँ दे रहे बता दो, मिल जाएगी? आप कहता दो सरकार। अरे सरकार तो कहने के लिए भी कह देती है कि यहाँ पे इतने नियम लागू कर रहे, कुछ होता है? कहते रोड सड़कें साफ है, हमने घर बना दिया, मकान बना दिए। कभी देखा आपने स्लम एरिया में जाके, दिल्ली के लोकल एरिया में देखा है? कुछ कर रही है सरकार बताओ? केजरीवाल की कि मोदी की? भाई गलती तो सबकी है ना, गवर्नमेंट, हम तो सबको ही वोट देते हैं, चाहे गवर्नमेंट को दे, ओ केजरीवाल को दे। चलो चलो यहाँ ये सब चलता रहता है। हाँ हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अग्निवीर जो है इसको स्कीम को वापस लेना चाहिए, क्योंकि यूथ इतनी मेहनत करती है, फिर लास्ट में उसको क्या 4 साल बाद निकाल देंगे, तो अच्छा लगेगा वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करे। चलो ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? हम यूपी से। कहाँ से? यूपी से, हापुड़। तो आप क्या करती हैं? मैं यूपी पुलिस में। ये ना दिखा देना, पता क्या आपका योगदान हो जाएगा, ये दुनिया तक ये मैसेज पहुंचेगा। अरे वो हम चिंता न कीजिए, यहाँ कुछ कितनी देर में देखे हम आपका, 24 कितनी देर में देखे आपका? 6 बजे देखिएगा माहौल क्या। हाँ और एक हाँ आप आइए इधर, मैं आम रोज बाद उनका ओम का प्रचार कर रही थी, बात कर लिया। आप क्या करती? मैं यूपी पुलिस में। ओ भाई यहाँ तो सरकारी नौकरी में सवाल जवाब भी बड़ा मुश्किल है आपसे, इसलिए। लेकिन एक बात तो पूछ ही सकता हूँ कि ये पुलिस को महीने में मतलब वीकली ऑफ मिलता है? कुछ नहीं है, एक भी वीक नहीं है, ऑफ नहीं है। मैं आज ही सुबह सोच रहा था, जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैंने दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जवानों को सड़क पे देखा, क्योंकि 31 दिसंबर की तैयारी में और लगा दिए जाते हैं, तो और लोग तो जश्न मनाते हैं, पुलिस वाले ये देखते हैं कहीं हुड़दंग न कहीं। तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी जानकारी में यूपी पुलिस में कोई साप्ताहिक अवकाश तो नहीं है? कोई नहीं है, कोई भी अवकाश नहीं है। छुट्टी कितने दिन मिलती है? छुट्टी 30 ईयर एक ईयर में। सामान्य नौकरी अगर आप करते हैं कोई भी, तो वीकली ऑफ तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है, यानी 52 हफ्तों में आपको कम से कम 52 दिन तो रेस्ट मिलता है। पुलिस वालों को लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक सच्चाई अगर आप पुलिस के बारे में जानेंगे कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता, उनको वर्दी का जो मेंटेनेंस मिलता है वो भी कुछ 100, 200, 250 कितना मिलता है वर्दी मेंटेनेंस? वो भी नहीं मिलता, मतलब उनकी जो किसी मौके पर पुलिस के कांस्टेबल जवान उनके बारे में बात करूंगा। बहरहाल आज मौका दूसरा है। आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर गहलोत। कहाँ से हैं गहलोत सर? मैं यूपी से। तो मैं ये जानने के लिए थोड़ा आया हूँ कि 2023 का साल देखिए बहुत मामलों में अच्छा था, देश के लिए भी बहुत मामलों में मायूसी भी हुई। हमारा चंद्रयान 3-1 तो चांद पर गया, और हमारी वर्ल्ड कप में टीम जाकर के फाइनल में हार गई, हम मायूस भी हुए। नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ने हमारा मान ऊंचा किया, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, दूसरी तरफ हमारे पहलवान इन्हीं सड़कों पर अपने मेडल
रखने के लिए मजबूर भी हुए, वो तस्वीरें देख के बहुत दुख भी हुआ। तो जिंदगी साल ऐसे ही मिला जुला रहता है, कभी खुशी कभी गम जैसा। तो आपका साल कैसा रहा? नहीं, साल तो अच्छा ही रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि लाइफ में सुख और दुख तो चलते रहते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, साल सही रहा है। और ये देश की सियासत और राजनीति का के दृष्टि से ये साल कैसा रहा और अगला कैसा रहेगा? दृष्टि से तो साल राजनीति से अच्छा ही रहता है, अगला साल भी अच्छा ही रहेगा, और हम मतलब चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने अगली साल भी, जो देश के लिए काम करे, जो लोगों के लिए काम करे, तो यही हमारी इच्छा है। अभी जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की और योगी जी की, अगर आपको मौका मिले उनसे एक एक सवाल पूछने का तो या राय देने का, तो आप क्या देंगे? हम यही राय मैं अपनी देना चाहता हूँ कि देश के लिए वो जैसे अच्छा काम कर रहे हैं आगे भी अच्छा काम करते रहें, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है हमारा जो। अरे यार ये सवाल है, नहीं, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ। एक मैं कह रहा हूँ अगर सवाल पूछना हो एक एक तो आप क्या पूछेंगे? मैं एक सवाल पूछूंगा कि जो बेरोजगारी है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं देखता हूँ मोदी जी से कि योगी जी, मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ना चाहिए, जो लोग हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, जॉब जिनके पास कम है, जिनको मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब में भी अवसर बढ़ने चाहिए, तो मेरा यही दोनों से कहना है। तो आप मानते हो कि ये लोग, ये दोनों सरकारें रोजगार युवाओं को देने के मामले में थोड़ा कमजोर रह गई इस फ्रंट पर? नहीं नहीं, कमजोर तो नहीं है, बट और स्पीड से रोजगार मिलने चाहिए, रोजगार तो मिल रहे हैं बट जो स्पीड होनी चाहिए वो इतनी स्पीड नहीं है, जिससे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है वो दूर हो, क्योंकि यदि बेरोजगारी कम होगी तो ऑब्वियसली हमारा देश डेवलप करेगा। आप कहाँ से हैं? मैं से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी। हाँ बिजनौर, हाँ जी। बिजनौर के बारे में आप क्या जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन सा, उत्तर प्रदेश के जिलों में बिजनौर किस मामले में अलग है, आपको मालूम है? बिल्कुल सर, वहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा पाया जाता है सर, जो धामपुर का शुगर मिल है वो एशिया में टॉप 5 में आता है सर। शुगर मिल बड़ी है लेकिन गन्ना उत्पादन की दृष्टि से बिजनौर सबसे बड़ा, सबसे पहला जिला नहीं है? बिल्कुल सर, पहला जिला नहीं है। आप बताइए, आप बिजनौर के रहने वाले हैं, आप बिजनौर की खासियत बताइए। सर वहाँ के लोग बहुत ही स्थिर, बहुत सुधारू रूप से सुचारू होते हैं, मतलब जो कहना है बड़े सुधारू रूप से कहते हैं चीजों को। बिजनौर पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे हरा भरा जिला माना जाता है, प्रकृति के क्षेत्र में सर, प्रकृति के क्षेत्र में वो सबसे हरा भरा जिला है बहरहाल, और वहाँ का शुद्ध हवा पानी, बिल्कुल सर, बिल्कुल उत्तराखंड, गंगा भी बिल्कुल साफ वहाँ पे दिखती है, और गंगा के किनारे जो जंगल पेड़ हैं वो बहुत हरे भरे भी है, ठीक है। तो बहरहाल आप करते क्या है? मैं सर मानव संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ। सरकारी नौकरी में? नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर यानी एचआर डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग। रुकिए, पहले ये कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? हिंदी नहीं बोलते? हिंदी इतना अच्छा बोलते, कहाँ से आते? हिंदी में आता है, असम से आ रहे हैं। असम से? तो क्या बोलना चाहते? हिंदी नहीं बोलते भाई, यही एक ही लाइन रट के दिल्ली आई हो, हिंदी नहीं बोलते? नहीं बोलते, दिल्ली घूमने के लिए आए हैं। दिल्ली आपकी मम्मी है? हाँ मेरी मम्मी। आप दिल्ली रहती हैं? हाँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा हस्बैंड सीआरपीएफ में काम करता है, मम्मी को घुमाने के लिए ले आए। अच्छा लग रहा है दिल्ली? अच्छा लग रहा है, अच्छा है। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? यही बोल दो, हमको हिंदी नहीं आती। दिल्ली आके बहुत अच्छा लगा। चलिए अच्छा है, मैं तो ऐसे ही लोगों से आज बात, चूंकि नया साल है तो मैं जैसे लोग मिलते जा रहे हैं हल्के फुल्के।